हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। शहनाज किचन में आपका वेलकम है। आज मैं ये खड़े मसालों का कीमा बनाना जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, मैंने ये आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है और इसको अच्छी तरह से दो तीन बार धो लिया है ताकि ब्लड बिल्कुल निकल जाए। और ये 300 ग्राम मैंने प्याज को महीन महीन काट लिया है। दो टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने काटे हैं। दो सूखी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने अदरक कटा हुआ लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने लहसुन भी कटा हुआ लिया है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जीरा लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। 4 मैंने लौंगे ली हैं। 3 छोटी इलायची ली है और कुछ तेजपत्ता के पत्ते लिए हैं। और नमक मैं एज पर टेस्ट डालूंगी। और 4 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। देखिए, मैंने कुकर में गर्म किया है और उसके बाद ये गर्म मसाले सारे इसमें डाल दिए हैं। मुझे फ़ौरन ही प्याज डाल देनी है ताकि ये खड़े गर्म मसाले मेरे जल ना जाए। और उसको एक दो बार चलाकर मुझे इसके अंदर बाकी अदरक लहसुन डाल देना है। अब इसको दो चार बार चलाते हुए मुझे इसमें कीमे को ऐड कर देना है। और कीमे को भी चलाना है, उसका कलर जैसे ही चेंज होता है उसमें अदरक लहसुन कटा हुआ मुझे मिला देना है। ये देखिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। और इस स्टेज पर मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये खड़े मसालों का कीमा अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब इसको देखिए, मैंने कुकर बंद करके 5 सीटी फुल फ्लेम पर ले ली हैं। और अब मैं इसको खोल कर चेक कर रही हूँ कि मेरा कीमा गला है या नहीं। मेरा कीमा अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं फ्लेम को दोबारा ऑन करती हूँ और इस पानी को सुखाऊंगी। और इसी स्टेज पर मैं इसमें टमाटर को भी ऐड कर देती हूँ। और इस स्टेज पर अगर आप अगर हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो 2 से 3 आप हरी मिर्च भी इस स्टेज पर इसमें शामिल कर सकते हैं। कीमे का पानी देखिए मेरा सूखता जा रहा है और बीच बीच में मुझे इसको चलाते रहना है। फ्लेम को मुझे मीडियम रखना है। मुझे उस स्टेज तक इसको भूनना है, इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। बीच बीच में चलाकर देखते रहना है कि मेरा कीमा नीचे न लग जाए। देखिए, मेरा पानी लगभग खुश्क हो गया है और मैं इसको 5 मिनट और ढककर पकाऊंगी। देखिए, बिल्कुल सिम आग पर 5 मिनट मैंने ढककर पकाया है तो ये ऑयल ऊपर आ गया है और नीचे लगा भी नहीं है। इस तरह देखिए, मेरा कीमा ये लगभग तैयार हो गया है। इस स्टेज पर आप ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर दीजिए। मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है, आप हरी मिर्च चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप नान के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये अपने नॉर्थ इंडिया का बहुत ही फेमस एक डिश है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैंने आज देखी नान बनाई है, इसको मैं नान के साथ सर्व करूँगी। अल्लाह हाफिज़।